So I am performing live in Delhi on 30th July. The venue name is Depot 48. It's in Greater Kailash और it's a self-organized show. मतलब मैंने खुद से ही इसको arrange किया है. That is why it's a ticketed event. तो अगर आपको मुझे live perform करते हुए देखना है, सुनना है, तो आप ticket खरीद सकते हैं. Link is in the description. मिलते हैं 30 जुलाई को Depot 48 में. See you all. डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हिंट ऑफ रियलिटी इसमें होगा ही होगा. हाय एवरीवन, मैं हूं अनन्या, आपकी इकलौती फेवरेट म्यूजिकल कमेंटेटर ऑन यूट्यूब. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू पार चन्नादे रिएक्शन. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज मैं बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ट्रू इमोशंस के साथ उस पर रिएक्ट कर रही थी. और जिस तरीके के मुझे कमेंट्स आए वो भी बहुत जेन्युइन और बहुत हार्टफेल्ट लगते हैं मुझे, तो पढ़ के ही मेरा दिन बन जाता है. सो थैंक यू सो मच. और कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं जो मुझसे रिएक्शन वीडियो में मिस हो गई, तो आई थॉट कि वाई नॉट आई कलेक्ट एवरीथिंग एंड रिकॉर्ड अनदर वीडियो. तो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मिस्ड इन द एक्चुअल रिएक्शन वीडियो. सो पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी, एक बहुत ही क्यूट कमेंट आया था. यूजुअली जब कोई मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट करता है तो आई डोंट टेक इट वेल, मतलब मैं थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती हूँ एंड आई फील लाइक कि ये क्या बोल रहे हैं. बट ये जो कमेंट आया था ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है एंड इट मेड मी थिंक कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं. तो कमेंट है कि घड़ा बर्फ का नहीं है जो पिघल रहा है, घड़ा टूट रहा है. तो एंड आई फेल लाइक कि ओ बर्फ पिघलती है ना, जो मिट्टी का घड़ा है वो तो टूटता है. तो इट फील्स रियली सैटिस्फाइंग कि जैसे मैं हर चीज़ नोटिस करती हूँ किसी भी वीडियो में, किसी भी चीज़ में, वैसे ही मेरी ऑडियंस भी मुझे ऐसी मिली है, ऐसी मैच मेकिंग हुई है हम लोगों की कि आप लोग भी वैसे ही हर चीज़, हर माइनर नुआंस एक आप नोटिस करते हो. इट एक्चुअली हेल्प्स मी इम्प्रूव एंड बिकम अ बेटर कॉन्टेंट क्रिएटर. सो थैंक यू सो मच जिसने भी ये कॉमेंट किया. सेकेंड थिंग, अ लॉट ऑफ यू कॉमेंटेड कि नूरी जो है वो सिंगर का नाम नहीं है, नूरी एक्चुअली बैंड का नाम है और वो जो दो मेल सिंगर्स गा रहे हैं वो दो ब्रदर्स हैं. दे आर कॉल्ड एज नूरी ब्रदर्स इन पॉपुलर कल्चर, बट नूरी एक्चुअली बैंड का नाम है और ब्रदर्स का नाम शायद अली हमजा और अली नूर है. दे कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली. इस बैंड का नाम नूरी भी उनकी मदर के नाम से आया है जिनका नाम है नूर जहरा, उससे नूरी बना. फोर्थ थिंग इज आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि जो लेडी सागर वीणा प्ले कर रही है इस वीडियो में वो एक्चुअली इन नूरी ब्रदर्स की माँ हैं. एंड इफ़ यू रिमेंबर इन माई रिएक्शन, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट पहली बार देखा था वीडियो में तो मैं देख के क्यूरियस हो गई थी कि ये क्या बजा रहे हैं. देन आई फाउंड आउट कि ये जो बजा रही हैं सागर वीणा, ये इंस्ट्रूमेंट ही इनके फादर ने इन्वेंट किया है. तो आप समझ सकते हैं किस तरह की म्यूजिकली रिच फैमिली से आते हैं ये सभी लोग. एंड नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स कि BTS में एक सीन आता है जिसमें कि वन ऑफ द टू ब्रदर्स वो ना शायद थके हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं, तो वो ना एकदम ऐसे बच्चा बन के ना बिल्कुल उनकी गोद में सर रख लेते हैं एंड गोद में सर रखते हैं या फिर हक कर लेते हैं उनको. एंड नाउ इट मेक्स सेंस कि जब वो उनकी माँ ही हैं तो ऐसा बिहेवियर बनता है. और ये जो नूर जहरा मैम है, शी इज़ द ओनली ह्यूमन अलाइव ऑन दिस प्लैनेट टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट कॉल सागर वीणा. तो वी कैन से कि जो नूरी ब्रदर्स है वो एक म्यूजिकली साउंड और म्यूजिकली रिच फैमिली से आते हैं और ये चीज़, ये सहजता और ये एफर्टलेसनेस उनके परफॉर्मेंस में दिखती है. मतलब वो इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, दे क्रिएट अ हैप्पी वाइब अराउंड देम, मस्ती मजाक चलता है. आर्टिस्ट जो उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी टू परफॉर्म विद देम. कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है. पांचवी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों ने कॉमेंट किया वो है इस गाने की ऑल्टरनेट मीनिंग. मतलब एक दो ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये जो स्टोरी है ये सिर्फ लिटरली एक लव स्टोरी नहीं है, इसका एक अलग डीपर मीनिंग है. ऑल्टरनेटिव मीनिंग ये है कि जो क्ले पॉट है, जो मिट्टी का घड़ा है, वो एक्चुअली हमारी बॉडी है और जो सोनी है जो उस घड़े के सहारे नदी को पार करना चाहती है, शी डिपिक्ट्स द सोल. और जो नदी है चिनाब नदी वो हमारी लाइफ है कि हमें इसके पार निकलना है. इवन दो दिस पैरेलल नैरेटिव मेक्स सेंस, हर चीज़ का जो पैरेलल ड्रॉ किया है, बट स्टिल अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये कहीं ना कहीं एक फोर्स्ड एक्सप्लेनेशन लगा. मतलब इट इज़ जस्ट समथिंग दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन अ पॉपुलर नैरेटिव
by some WhatsApp message or something to prove a point. अब लोगों को लगा होगा कि भाई लव स्टोरी है तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है इससे, हम क्यों इसको प्रोपगेट करें, क्यों अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को बताएं, तो क्यों ना इस लव स्टोरी को ही एक ऐसा ट्विस्ट दे दें ताकि हमें एक स्पिरिचुअल मीनिंग मिल जाए या फिर कुछ सीखने को ही मिल जाए इससे कि यू नो एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी और किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, वट एवर. तो आई सॉर्ट ऑफ अलाइन विद द आइडिया कि चलो एक नया मीनिंग इसलिए निकाला कि किसी को कोई सीख दे पाए, नए कुछ ज़िंदगी में नया सीखने को मिले. बट एक्चुअली यही मीनिंग है और लव स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट सोनी भाईवाल की स्टोरी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इसके प्रूफ्स हैं. एक उनके नाम पे एक टूम बनाया गया है और काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स और म्यूरल्स में उनकी स्टोरी का डिपिक्शन मिलता है. तो इतने सब कल्चर्स में, पॉपुलर कल्चर में और किताबों में, किस्से कहानियों में इतनी सब झूठ बात तो नहीं हो सकती. ये हो सकता है कि कुछ हद तक सच्चाई हो उसमें, मतलब इतना जो ड्रामेटाइज करके, सिनेमेटाइज करके हमें बताया जाता कि अब वो घड़ा पिघल रहा है एंड देन वो तोड़ रही, इतना नहीं होगा कि वो गाना गा रही है वहाँ पे पार चना दे. बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हिंट ऑफ रियलिटी इसमें होगा ही होगा, तभी इतना ज़्यादा ये पॉपुलर है. बट इवेंचुअली ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं. हमारे रामायण में एक चौपाई है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. तो आप अंदर जो फील करते हैं आप वैसा ही भगवान को देखने लग जाते हैं, वैसा ही आपको हर जगह दिखता है. तो इट्स अप टू यू, आपको क्या बिलीव करना है. अगर आपको स्पिरिचुअल मीनिंग में ही बिलीव करना है, इफ़ यू थिंक दैट लव स्टोरी मेक्स नो सेंस, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. बट हैविंग दिस माइंडफुलनेस इज रिक्वायर्ड कि ये एक मेड अप मीनिंग है. एटलीस्ट फॉर मी. मूविंग ऑन टू द लास्ट बिट एंड हाउ कैन आई मिस दिस वन. शिल्पा राव का अपीयरेंस इन दिस सॉन्ग, इट सीम्स सो मच मोर फैसिनेटिंग टू मी नाउ, स्पेशली बिकॉज कि अब ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट हो गया है कि एक दूसरे कंट्री के आर्टिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर एनी वर्क. तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स इम्पॉसिबल कि कभी हम ट्रैवल कर पाएंगे किसी आर्टिस्टिक पर्पज के लिए, कभी वो ट्रैवल कर पाएंगे. But the fact that she has made it and she has made it so beautifully to Coke Studio Pakistan, it seems nothing less than a fascinating journey. And मैंने जब BTS में देखा कि how exactly she landed at this opportunity, तो सच में लगा कि यार सच में destiny नाम की कोई चीज़ होती है कि आपको randomly ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना random chance बन गया और आपको एकदम से ही बुला लिया गया कि चलो गाना record करते हैं. तो हुआ ये था कि कोई concert था नूरी का दिल्ली में, और उस कॉन्सर्ट के बाद somehow दे मेट शिल्पा राव. एग्जैक्टली बताया नहीं कि कैसे मिले, बट somehow दे मेट इन एन आफ्टर पार्टी काइंड ऑफ अ सीन जो कि रूफ टॉप पर चल रहा था. और उस आफ्टर पार्टी में शिल्पा राव कुछ गा रही थी और वो नूरी ने सुना, वन ऑफ द नूरी ब्रदर्स ने सुना, एंड देन उनकी नज़रें मिली, उन्होंने कहा इंस्टेंटली उनको क्लिक हुआ कि अरे इनके साथ तो कोलैब किया जा सकता है. एंड दैट वॉज इट, That's how she grabbed the offer of Coke Studio. तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आफ्टर पार्टी में रुकना और गाना गाना कितना ज़रूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कौन सुन रहा है और कौन आपका गाना सुन के आपको नेक्स्ट बिग ब्रेक दे सकता है. आई विश इट वॉज दैट ईजी. सो दैट्स ऑल, इतना ही एक्स्ट्रा मटीरियल था बताने को. इसके अलावा भी कुछ और आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए तो आपको पता क्या करना है, आपको कॉमेंट करना है. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम,